हेलो फ्रेंड्स, और अब मैं एनालिसिस करूंगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, उनके प्लेऑफ में पहुंचने के क्या चांसेस है और प्लेयर्स टू वॉच आउट। तो सबसे पहले तो हम उनके स्क्वाड पे नजर डालते हैं, इस बार आरसीबी का क्या स्क्वाड है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आरसीबी के ओपनर्स इस बार रहेंगे विराट कोहली जो कैप्टन भी है और देवदत्त पाडिकल। विराट कोहली ने डिक्लेयर कर दिया है कि इस बार वो ओपनिंग करेंगे। मिडल ऑर्डर के लिए है फिन एलन विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम न्यूजीलैंड, केएस भारत विकेट कीपर, ए बी डिविलियर्स विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मोहम्मद अजरुद्दीन विकेट कीपर बैट्समैन, रजत पाटीदार, सुयाश प्रभु देसाई और सचिन बेबी। और राउंडर्स है डैन क्रिश्चियन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पवन देश पांडे ऑफ स्पिनर, ग्लेन मैक्सवेल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर। और फास्ट बॉलर्स है काइल जेमिनसन फ्रॉम न्यूजीलैंड, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, केन रिचर्डसन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, नवदीप सैनी, डेनियल सैम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और स्पिनर्स में दोनों लेग स्पिनर्स युजवेंद्र चहल और एडम जैम्पा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये इनका स्क्वाड है। और पिछले साल आईपीएल 2020 में जो इनके प्लेयर्स थे, तो उसमें जो अब इस टीम का हिस्सा नहीं है वो प्लेयर्स है जॉश फिलिपी, एरन फिंच, क्रिस मॉरिस, इशुरू उदाना, मोइन अली, पवन नेगी, गुरकीरत सिंह मान, शिवम दुबे, डेल स्टैन, पार्थिव पटेल और उमेश यादव। ये प्लेयर्स अब इनकी टीम का हिस्सा नहीं है, पिछले साल थे। तो जो इनका स्क्वाड है उसके अकॉर्डिंग इनकी आरसीबी की क्या एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है टूर्नामेंट के स्टार्ट में, उस पर नजर डालते हैं। ये इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है। ओपनिंग करेंगे देवदत्त पाडिगल और विराट कोहली, और तीसरे नंबर पे रजत पाटीदार के होने के पूरे चांसेस है। इनका मैंने चेक किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा रिकॉर्ड है और पिछले दो सालों से बहुत अच्छी फॉर्म दिखा रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और T20 में भी अच्छा स्ट्राइक रेट है, अच्छी एवरेज है। तो ये पूरे चांसेस है कि ये तीसरे नंबर पे खेलेंगे, ये टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं। और चौथे नंबर पे ए बी डिविलियर्स रहेंगे, पहले ओवरसीज प्लेयर। पांचवे पे मोहम्मद अजरुद्दीन विकेट कीपर बैट्समैन को खिलाया जा सकता है, या सुयाश प्रभु देसाई भी हो सकते हैं। इन दोनों का भी अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक T20 में। सुयाश प्रभु देसाई अच्छे फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं, उनका एक फिनिशर का रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में। और अजरुद्दीन का भी आपने जरूर अभी नाम सुना होगा, बहुत तेज एक T20 में सेंचुरी मारी थी इन्होंने। तो ये मैं कहूंगा ये जो तीन बैट्समैन है ये इनके पास अच्छे मिल गए हैं, जो तीन यंगस्टर लिए हैं, रजत पाटीदार, अजरुद्दीन और सुयाश। और सिक्स नंबर पे हो गए ग्लेन मैक्सवेल, सेवंथ पे शहबाज अहमद, ये इनके ऑलराउंडर है तो ये हो सकते हैं। आठवे पे डैन क्रिश्चियन या डेनियल सैम्स में से कोई एक प्लेयर होगा। नाइन्थ में के काइल जेमिसन, दसवें नंबर पे मोहम्मद सिराज या नवदीप सैनी में से एक को खिलाएंगे, और ग्यारहवें पे लेग स्पिनर यूजी चहल। तो ये आरसीबी की इस बार एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 होने के चांसेस है। और हम इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें तो सबसे पहली स्ट्रेंथ तो मैं कहूंगा इनकी ये है कि जो इनका ओपनिंग पेयर है बैटिंग का, ये अच्छा है। देवदत्त पाडिकल ने विजय हजारे में भी बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे वो टूर्नामेंट के पृथ्वी शाह के बाद, और पिछले साल आईपीएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये इस साल भी लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे, और साथ में विराट कोहली ओपनिंग करेंगे, वो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो ये ओपनिंग पेयर इनका अच्छा है, और साथ में मुझे इनका मिडल ऑर्डर भी अच्छा लग रहा है। ए बी डिविलियर्स तो है ही, साथ में इस बार ग्लेन मैक्सवेल भी है, और जो इन्होंने जो ये जो यंगस्टर्स लिए हैं ये T20 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड अच्छा है। और इसके अलावा मिडल ऑर्डर तो अच्छा है ही, हम बेंच स्ट्रेंथ भी देखें कि कोई प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है
या आउट ऑफ फॉर्म रहता है, तो इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है। तीन इंडियन प्लेयर्स तो है ही, अजरुद्दीन, पाटीदर और प्रभु देसाई, पर साथ में सचिन बेबी भी है, तो ये भी T20 का अच्छा प्लेयर है। और फिन एलन जो विकेट कीपर बैट्समैन है न्यूजीलैंड का, ये भी T20 का अच्छा प्लेयर है। KS भारत का वैसे T20 में इतना रिकॉर्ड नहीं है, पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये पुराना प्लेयर है और अच्छा प्लेयर है ये भी। तो मुझे इनका एक तो मिडल ऑर्डर अच्छा लग रहा है, ओवरऑल बैटिंग अच्छी लग रही है इनकी, ये इनकी एक तो स्ट्रेंथ है, और साथ में इनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। हम देखें इनके पास स्पिनर्स भी है और पेसर भी। आप देखिए दो बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, चहल और एडम जंपा, साथ में शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर भी है, तो स्पिनर्स भी है इनके पास, और पेस अटैक तो मैं कहूंगा उससे भी बेटर है। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के, इन ये तो काफी इनका आजकल बोलबाला चल रहा है और बहुत महंगे भी बिके हैं इस IPL में। साथ में मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, केन रिचर्डसन, डेनियल सैम्स, नवदीप सैनी और ऑलराउंडर भी है डैन क्रिश्चियन, तो इनका पेस अटैक भी अच्छा है, और मुझे ये इस टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीम लग रही है। मैं आपको बताऊं, मुझे सही बताऊं तो इनमें कोई भी वीकनेस नहीं लग रही है, ये मुझे काफी स्ट्रांग टीम लग रही है। बट वीकनेस में फिर भी आपको एक बताऊंगा, वीकनेस इनकी अगर कोई है या साबित हो सकती है तो वो हम यही कह सकते हैं कि विराट कोहली एज ए कैप्टन, जो IPL में इनका बैड लग रहता है कि टीम को ये कई बार नॉकआउट में ले जाते हैं पर फिर भी हार जाती है टीम, या कई बार अच्छी टीम होते हुए भी नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाती, प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाती, तो ये जो बैड लक है यही मैं कहूंगा कि एक वीक पॉइंट मुझे इस बार इस टीम का लग रहा है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि इन्होंने इस बार कुछ अच्छे प्लेयर्स ऑक्शन में लिए है और टीम को और स्ट्रांग किया। और ये जो कोहली का बैड लक भी रहता है, इसके बारे में भी मैं अपने व्यूज देना चाहूंगा आपको कि जो ये IPL में इन एज ए कैप्टन ये ट्रॉफी नहीं जीत पाते, हालांकि मैं जो भी अपना एनालिसिस देता हूं तो वो क्रिकेट पे ही बेस्ड होता है, बट इस बार मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है जिस वजह से विराट कोहली आज तक IPL नहीं जीत पाए हैं और लक इनका साथ नहीं देता, क्योंकि इनके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग विराट कोहली के जो भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स हो गए या मल्टीपल टीम्स वाले जिसमें काफी टीम्स है, जैसे ये IPL है तो इसमें 8 टीमें हैं, इसी तरह वर्ल्ड कप होता है तो उसमें भी 8, 9 या 10 टीमें होती है, तो जो मल्टीपल टीम्स वाले टूर्नामेंट्स हो गए तो उसमें एज ए कैप्टन इनका लक थोड़ा हल्का है, थोड़ा नहीं मैं कहूंगा काफी हल्का है। और जो बायलैटरल सीरीज होती है 1-on-1 किसी भी टीम के साथ, तो उसमें एज ए कैप्टन विराट कोहली का लक अच्छा है। तो आप देखें तो इनके जो ओवरऑल रिकॉर्ड भी रहता है एज ए कैप्टन तो वो अच्छा रहता है, बट ये कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप में भी नहीं जीत पाए और IPL में भी एज ए कैप्टन स्ट्रगल करते हैं। तो यही एक इंडियन क्रिकेट फैंस को थोड़ा डर भी रहता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप आएगा तो क्या हम जीत पाएंगे विराट कोहली की कैप्टनसी में। जीत तो सकते हैं। एक मैं पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा कि विराट कोहली की कैप्टनसी में U19 वर्ल्ड कप हम एक बार जीते हुए, तो ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, बट डेफिनेटली लक थोड़ा इनका वीक रहता है जब भी मल्टीपल टीम्स होती है, और वही चीज इस बार भी वीक पॉइंट साबित हो सकता है। इतनी बढ़िया और बैलेंस टीम होने के बावजूद भी हो सकता है कि मे बी ये नॉकआउट स्टेज पे पहुंचने पे एक खराब मैच हो और जिससे ये बाहर हो जाए। और मैं इनको इनकी टीम को रेटिंग्स दूंगा 8 out of 10, और प्लेऑफ में पहुंचने का इनका अच्छा चांस है। मेरे ख्याल से ये टीम पहुंचेगी अब की बार प्लेऑफ्स में, 70% चांस दूंगा मैं RCB को प्लेऑफ्स में पहुंचने का। और प्लेयर्स टू वॉच आउट, तो इनके प्लेयर्स टू वॉच आउट एक तो हो गए इनके दोनों ओपनर्स देवदत्त पाडिकल और विराट कोहली, ये दोनों ही इस टूर्नामेंट में अच्छे रन मारेंगे और अपने टीम की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर, टॉप स्कोरर हो सकते हैं, और हो सकता है कि ऑरेंज कैप के भी दावेदार ये बने जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। और इसके साथ फिर AB डिविलियर्स डेफिनेटली वो प्लेयर टू वॉच आउट रहेंगे।
पिछले साल भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी और इस साल भी लगता है कि वो एक मैच विनर साबित हो गए। और इसके साथ जो इनका यंग प्लेयर है रजत पाटीदार, जिसको इन्होंने लिया है, तो वो मुझे लग रहा है कि अच्छा करेगा इस टूर्नामेंट में। ही विल बी प्लेयर टू वॉच आउट, अच्छी परफॉर्मेंस देगा, उसको ये टॉप ऑर्डर में ही खिलाएंगे, मे बी नंबर थ्री पे ही चांसेस है। एबी डिविलियर्स को थोड़ा होल्ड करके रखेंगे एट नंबर फोर, तो पाटीदार अच्छा कर सकता है। और इसके अलावा एक और प्लेयर जो अच्छा इनका कर सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा, वो है यूजी चहल, लेग स्पिनर हमारा। तो यूजी चहल के ऊपर आजकल परफॉर्मेंस पे उंगलियां उठ रही है कि ये हमारे इंटरनेशनल मैचेस में इंडिया की तरफ से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो चहल भी ये समझ रहे होंगे कि चहल को अच्छी परफॉर्मेंस देने की जरूरत है अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह बचाए रखनी है। तो चहल भी डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहेगा और मुझे लग रहा है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ही विल ऑल्सो बी ए प्लेयर टू वॉच आउट। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि आरसीबी क्या इस बार जो इनका थोड़ा बैड लक रहता है और टूर्नामेंट नहीं जीत पाते उसको ये खत्म कर पाते हैं कि नहीं, क्या जीत पाते हैं कि नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इस बार इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस्ड है, तो टक्कर इन्हें देनी चाहिए और ये तो फिर हमें आईपीएल के दौरान ही पता लगेगा कि कहां तक आरसीबी पहुंचती है इस बार, क्या इस बार भी सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचती है या फाइनल भी जीत पाती है इस बार कि नहीं।